Let's do question number 3 of exercise 13.2, that is exponents and power. Question number 3 is say true or false. हमें ये बताना है ये true है या false है and justify your answer, और हमें justify करना है. First part लिख लेते हैं अपना. First part है हमारा 10 into 10 की पावर 11 equals to 100 की पावर 11 है. अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगी. लेफ्ट साइड होती है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट साइड कहलाती है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँगी. लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 10 into 10 की पावर 11. अब मुझे ये देखना है इसे सॉल्व करके क्या ये आता है या नहीं आता. तो देखिए अब बेस सेम है, पावर इसकी 11 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या हो गई 1. अब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो क्या आ जाएगा पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो 1 + 11 तो कितना आ गया 10 की पावर 12, राइट. तो इसका मतलब ये सॉल्व करके ये नहीं आता है, ये आएगा ये सॉल्व करके. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. हमने यहाँ लिख दिया 10 into 10 की पावर 11 इज़ नॉट इक्वल टू 100 की पावर 11. So above statement क्या है हमारी false है. Statement is false answer. Let's do second part now. Second part है हमारा 2 की पावर 3 greater है 5 की पावर 2 से. तो देखिए अब हम लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेंगे. लेफ्ट साइड है हमारी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 times मल्टीप्लाई. लेफ्ट साइड है ये वाली, राइट साइड है ये वाली, राइट. तो ये कितना आ गया 2 × 2 = 4 × 2 = 8 आ गया. अब 5 की पावर 2 जो कि हमारी राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करके देखते हैं. तो 5 की पावर 2 का मतलब है 5 × 5, तो ये कितना आ गया 25. तो हमारे अकॉर्डिंग 2 की पावर 3 लेस है किससे 5 की पावर 2 से, क्योंकि बड़ा कौन सा आ रहा है 5 की पावर 2, राइट. तो हम यहाँ लिख देंगे सो above statement is false है above statement आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट है हमारा 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 6 की पावर 5. तो देखिए ये अलग अलग हैं, अलग दोनों अलग अलग हैं, बेस वैल्यू और पावर्स भी अलग अलग हैं. तो इन्होंने क्या किया है बेस वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया और पावर प्लस कर दिए. तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बेस वैल्यूज़ भी अलग हैं और पावर्स भी डिफरेंट हैं, राइट. अबव स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. Above statement is false because base values as well as, या तो base value same होती power different होती तो powers add कर देते, या बेस वैल्यू अलग होती और पावर सेम होती तो पावर्स सेम रख देते और बेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देते. तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि उसकी पावर और बेस वैल्यू आर डिफरेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट. लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ. लास्ट पार्ट इज 3 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1000 की पावर 0. मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर 0 हो तो 1 आएगा. तो हमारी लेफ़्ट साइड जो होगी वो 3 की पावर 0 करने के बाद भी 1 आएगी. इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे 1000 की भी पावर अगर 0 है तो भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा. तो चाहे 3 की पावर 0 कहें या 1 की पावर 0 कहें, बात एक ही है. तो हेंस above statement is true. Statement is true answer.